है, मैं हूं अब्दुल्ला। ये जो जगह है डीएमसीएच है, शाम का 7 बज रहा है और बहुत ही संगीन मामला सामने में आया है। घटना दारू भट्टी के पास कनक मंदिर के बगल में एक दुकान की है, जिस दुकान के अंदर घुस के एक टीचर जो कि समाज में पढ़ाने और एजुकेशन का काम करता है, लेकिन उस टीचर ने आज हद पार कर दी। उस टीचर ने एक अपने ससुर अपने मतलब अपने सासू माँ और अपने साला के साथ बहुत ही बड़ा दुर्व्यवहार किया है। ये जो है पहले से भी इन्होंने बहुत ही संगीन अपराध किया है, अपनी स्टूडेंट से शादी कर उस लड़की को मेंटली इस तरह से टॉर्चर किया है। समाज और घर वालों के विरोध में आने पे उसने जान से मारने की साजिश की थी इनकी बेटी को, और आज तो इन्होंने हद पार कर दिया। एक वृद्ध महिला अपने नौजवान बेटे के साथ बेड पर पड़ी हुई है, न्याय की गुहार कर रही है। ना इनका कोई थाना सुन रहा है, ना इनका समाज सुन रहा है, ना अगला पार्टी जो है गोस्वामी वो समाज की भी नहीं मान रहा है, समाज के विरोध है। तो हम इनसे जानते हैं इनके साथ किस तरह का दुर्व्यवहार हुआ, और इतनी सारी महिलाओं के साथ मोहल्ले के लोग आए हुए हैं, और पुलिस से ये जानना चाहेंगे कि कब तक वो एक्शन लेगी, कब गिरफ्तारी करेगी दोषी का, क्योंकि दोषी का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वो बोल रहा है कि हम लहरियासराय थाना को खरीद चुके हैं, पुलिस मेरे जेब के अंदर है। तो पुलिस इसमें क्या एक्शन लेती है, ये एक देखने का मुद्दा है। और जिस तरह से आज लूटपाट हुआ है लाखों रुपए का एक दुकान से, और जिस तरह से तेजाब फेंका गया है, ऐसे अपराधी को अगर जल्द से जल्द सजा ना मिली तो मार्केट में इस तरह की अपराध होती रहेंगी। जान से मारने का धमकी दिया गया, बोलता अभी तो बच गए, तेजाब से झड़काए हैं, आप जान से मार देंगे, घर में घुस के गोली मार देंगे, तुम्हारा फैमिली खत्म कर देंगे, ऐसे वो तीनों लोग हमको धमकी दे रहे हैं। हम क्या करें, आप हमारे एसपी साहब, हमारे दरभंगा के प्रशासन कुछ करे, इस पर उन्हीं से गुहार है हर जो। आप लोग कहाँ पे रहते हैं? दुकान नहीं, कौन से मोहल्ला में रहता है? बेलवागंज में। बेलवागंज में। और जो आप पे हमला किया है वो कहाँ पे रहता है? दारू भट्टी चौक। दारू भट्टी। और यही कनक मंदिर के बगल में हुआ घटना? कनक मंदिर के पास मेरा दुकान है। क्या नाम है दुकान का? ये माँ भगवती कारीगरी बॉक्स। अच्छा, तो ये कितने बजे का घटना है? 6:30 के लपेट का। अच्छा, अपराधियों के हाथ में क्या था? अपराधियों के हाथ में बियर का बोतल में तेजाब था। तेजाब था हाथ में, फाइटर उठा लोहा का रॉड उठ, जान मारने के प्लान से आया था। क्यों अब पे हमला करना चाह रहा है वो? वो लोग का हमला का नहीं जानकारी अभी तक। अभी जानकारी नहीं। कितने का लूटपाट हुआ आपके दुकान में? लूट का अनुमान लगभग 1.5-2 पेटी का होगा। अच्छा, 1.5-2 लाख। और जो वो दुकान है आपका? हाँ जी। अच्छा, कारीगर भी रहते हैं आपके? हाँ हाँ, हम खुद मतलब महाजन से काम ला के खुद करते हैं और कारीगर से भी करवाते हैं। अच्छा, सीसीटीवी भी लगा हुआ है वहाँ पे? हाँ, बगल में लगा हुआ, हम खुद नहीं लगाए, दुकान में नहीं लगा। अच्छा, बगल वाले में आया होगा ये फुटेज, है ना? ठीक है। आपका? संजीव कुमार। जोर से बोलिएगा। संजीव कुमार साहब, क्या घटना हुआ है आज? दुकान पे आके लूटपाट किया है, तेजाब से हमको झड़का दिया। तेजाब से झड़का दिया आपको? कौन कौन? राज गोस्वामी, राजकिशोर गोस्वामी, परवेश गोस्वामी, और उसका पापा था राजीव गोस्वामी, विजय गोस्वामी। क्यों अटैक किया उनका मम्मी यार? उनको जो है मेरा कोई मैटर है उससे, लूटपाट के नतीजा से आया था, और उसके साथ 15-20 आदमी थे। 15-20 आदमी थे। किस चीज़ से हमला हुआ है आप पे? पहले तो लात मुक्का से मारा है, उसके बाद तेजाब उझल दिया। आपके बदन पर तेजाब उझल दिया? हाँ, हम जैकेट पहने हुए थे इसलिए मेरा शरीर बच गया, और पैर पे और हाथ उठ पे जो है ये सब पे। तो वहाँ पे कितने लड़के आए होंगे? 10-20 आदमी था। 10-20 आदमी उसको जितना स्टूडेंट सब है, आपको कौन कौन था नहीं पहचान से? कुछ गुंडे भी था? किसको किसको पहचानती है उस भीड़ में? उस भीड़ में उसी को फैमिली को जानते हैं, उसका माँ था, बाप था, भाई था, अब उसको साथ साथ बहुत लड़का था, कौन था नहीं जानते, सब घर पर। कुछ सामान भी लूटा है क्या? हाँ, बहुत लूट लिया। क्या क्या चीज लूटा है दुकान से? सोना गहना सब बना रहा था, महाजन सब लूट लिया, सब लूट लिया, सोना गहना सब लूट के भाग गया। सब लूट लिया। कोई पकड़ाया भी? नहीं, कोई नहीं, सब तेजाब उझल दिया हमारे बेटा के। और फिर आपके भी? आप बचाने गए तो? आप बचाने गए तो हमको भी तेजाब उझल दिया, मेरा बेटा के लूट लिया, उल्टे मार भी, भितरिया मार भी मारा है, मार कर तब तेजाब उझला है।
कोई तेजाब पुछला, कोई लूट कर रहा था, सब मिल के इतना अत्याचारी कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, किसी को नहीं मानता। लड़की कविता देवी, उसका बाप की बेटी का नाम, हमारा बेटी का नाम सोनाली। अच्छा, और वही के हस्बैंड है जो ये सब कर रहा है? काहे कर रहा है सर, झगड़ा का वजह क्या? कर लिया है, मारने का कोशिश कर रहा है, मारने का धमकी बार, जब शादी किया मारता है, मार मार के पकड़ा। कितना साल पहले शादी हुआ था? बस 2 साल हुई, अगले लॉकडाउन में हुआ। अच्छा, तो आप लोग अपने घर पे मंगा लिए? नहीं, मार के भगा दिया, जान मारने के, जान मार रहा था ना, भाग के आया। उसके लिए उसका जेल भी हो गया था? नहीं, नाला में गुद दिया था, वही बार बहुत लफड़ा हुआ, पुलिस और सब जानता है, थाना नाका जेल हो गया था उसमें। हाँ, 2 महीना के लिए। पुलिस उसको घर पर छोड़ दिया लड़की को, और पुलिस चल के कर रहो, पुलिस चल गया, उधर पुलिस गया, घिसी आबते है उसको रोड पर लाया, नाला में गुद दिया, मार कर नाला में गुद दिया, टेम्पुल वाला उसको बचाया, सब केस लगा हुआ है सर, सब है कोर्ट में। क्या नाम है आपका? गीता देवी। कहाँ की रहने वाली हैं? लाइट हाउस बिलवागंज। क्या घटना हुआ आपके साथ? घटना हुआ, हमको बेटा के सब दुकान में लूटपाट हुआ, हल्ला सुने किए, हमको बेटा के सब मिल को मार रहा था, कोई लूट रहा था, सब 10-20 आदमी था। आपका बेटा वहाँ क्या कर रहा था? हमारा बेटा वहाँ पर कारीगरी करता है दुकान में। कौन से दुकान में? सोना चांदी की दुकान। उन्हीं का दुकान है? हाँ, कारीगरी करता है महाजन के। जो अटैक, हाँ, जब लूट के जब भाग रहा था, बिना बेटा बेटा पकड़ा, तीजा को जिल दिया। अच्छा, हम जो पकड़े बेटा को बचाने के लिए, हमरो जिल दिया। अच्छा, ये तेजाब कौन उजला है? वो छोरा प्रवेश। प्रवेश नाम है भाई है? हाँ, प्रवेश राजीव। क्या करता है ये? वो सब पढ़वा है, टीचर। हाँ, बच्चे को पढ़ाता है? हाँ, बच्चे के पढ़ावे है। कहाँ पे? वही दारू भट्टी की गली में। उसका घर कहाँ पे है? वही दारू भट्टी चौक है ना, दारू भट्टी चौक है ना। हाँ, दारू भट्टी चौक के, हाँ, ठीक दक्षिण, क्या बोलता है, पश्चिम मुँह है। हाँ, गली गया, वही गली में पढ़ाता है। मेरा बेटी से पढ़ा पढ़ा के पूरा घर के धन संपत्ति ले लिया, उसमें शादी भी कर लिया, लव मैरिज। उसको 2 साल से जेल में, 2 साल से मार आपकी बेटी से शादी भी कर चुका है? हाँ, उसको मारने नाला भी गोद दिया था, 2 महीना जेल करके कंप्रोमाइज भी कर लिया, अब फिर लड़की के जाता है, मारपीट करता है, लड़की को देखने नहीं चाहता। कहाँ है लड़की अभी? लड़की मेरे घर पर है। आपके यहाँ रहती है? हाँ। अच्छा, कोई जाता है सर तो उसको गाड़ी पड़ता है, न समाज के समझता है, न कोई पंचायती, कोई पंचायती भी करने जाता है तो उसको भी मारता है, उसको भी गाड़ी पड़ता है। यही दोनों भाई जो टीचर है? हाँ, तीनों भाई है। क्या नाम है? बड़का को नाम है राजकिशोर गोस्वामी, जो शादी किया है आपकी बेटी से। हाँ, दूसरे का नाम है जो राज प्रवेश गोस्वामी, तीसरा जो है छोटा वाला वो है जो राजीव गोस्वामी। पिता का नाम क्या है? पिता के नाम है उसका विजय गोस्वामी। और रहता कहाँ पे है? वही दारू भट्टी से पश्चिम की गली गया है ना। ठीक है, वही चौक पश्चिम, जस्ट दारू भट्टी चौक वाली है। इनके भागना है मेरा। कौन? अच्छा, जिनका तेजाब फेंका। हाँ, तो ये झगड़ा क्यों हो रहा है इतना दिन? घर से नहीं ना झगड़ा करता, ये दुकान पर ना चल जाता है झगड़ा। दुकान पे, दुकान पर बिजनेस है, लड़की जाता है रोने के लिए तो उसको मारता है। दुकान पर के में तेरा तो घर में ना करा जाता, दुकान पर जाएगा झगड़ा करने। नहीं, मार्केट में नहीं जाता, मारने की धमकी देता है, हमला करता है जी। दुगो कारीगर था, उसी को मारता था, उसको मारता है, उसको मारता, सबको मारता है। अच्छा, कारीगर को भी मारता है? कारीगर को भी मारा है, यानी काफी पहले से परेशान किया हुआ है सभी को। 2 साल से परेशान में है, 2 साल से परेशान में है। अच्छा, 2 साल से परेशान है, यानी पुलिस मदद कर रहा है कि नहीं? पुलिस मदद किया, उस बार केस हुआ, केस जेल की आई लोग। हाँ, मेरा लड़की के अथी में गोद दिया नाली में, मेन रोड पर दारू भट्टी चौक पर 5 बजे पेपर पर में सब दिए हुआ है, तब जाके मार्च में मार दिया था, मार नाला में गोद दिया था, तब जेल हुआ, वो लोग को जेल गया, कंप्रोमाइज लगवा दिया, लड़की को रखेंगे। और फिर बदमाशी किया, फिर लड़की को मारने का, जान मारने का धमकी करते, जान मारने की कोशिश करता है, जब लड़की भाग के आया है, जान बचा के पीछे।